चावला कॉलोनी ने किया डॉक्टर संदीप सराफ। विदेश में जाकर रोशन किया, इसके लिए चावला कॉलोनी समाज सेवा समिति व आब्बासी समाज आपका दिल से स्वागत और अभिनंदन करती है। वहीं चावला कॉलोनी समाज सेवा समिति के संरक्षक नब्बन अहमद भाई ने कहा कि हिंदू मुस्लिम भाईचारा और हमेशा बिना भेदभाव ऊंच नीच जात पात से परे होकर हमारे भाई डॉक्टर संदीप सरावगी ने हमेशा समाज हित में जो कार्य किए वो सराहनीय है और ये समाज सेवा हिंदुस्तान से निकल कर एक सशक्त और मजबूत स्तंभ कहे जाने वाले अमेरिका में अपना परचम लहराया। ऐसे भाई को मैं शत शत प्रणाम करता हूँ। वहीं डॉक्टर संदीप सरावगी ने कहा कि बिना भेदभाव ऊंच नीच के हमेशा हर वर्ग के साथ खड़ा रहना मेरा मकसद रहा है और मैं जिस सफर से गुजरा हूँ, जिस रास्ते पर चल रहा हूँ, उसमें सिर्फ आप लोगों आदि समिति के समस्त कॉलोनी वासी उपस्थित रहे, सभी का आभार ताहिर भाई ने व्यक्त किया। कि बार बार डॉक्टर संदीप साहब जो कहा जा रहा है या जो हमें अवार्ड मिला है वो हमें नहीं मिला, वो हमारे मंच पर बैठे हुए लोगों को, हमारे झांसी को और हमारे बुंदेलखंड के लोगों को मिला है। अभिनंदन वंदन करते हैं हम स्टेज पर बैठे हुए अपने सब लोगों का। सच कह रहे थे जनरल भाई, पिता की तरह हैं ताहिर भाई के पापा हमारे लिए। बहुत छोटे से हम लोग पैर छूते आ रहे हैं, बढ़िया बातें हुई यहाँ पे, अच्छा लगा सब कुछ। इस पद को जो हमें मिला है, हमें खुद नहीं मालूम था कुछ दिन पहले कि डॉक्टर कभी कोई लगाता है अलग से। अचानक एक लेटर आता है, बुलाया जाता है, सम्मानित किया जाता है, शायद औकात ही नहीं है हमारी। धन्यवाद करना चाहते हैं हम सब लोगों का जिन्होंने यह सम्मान हमें दिया है। और जिंदगी में हम जो चाहते हैं कि अगर साथ दोगे आप लोग हमारा, तो इस झांसी में नई क्रांति पैदा कर देंगे हम। सबसे बड़ी बात, आप एक बात सोचो, कल्पना करने लायक है कि 6 महीने पहले ही हमने सोचा ये चीज, जब माननीय लोग बाहर नहीं निकल रहे थे कोरोना में, स्थिति ये हो गई कि माननीय लोग ये सोचने लगे ये बाहर ना निकल आए हम। आप समझो बात को। लेकिन ये हुआ कब पता? आप जैसे लोग, झांसी की जनता, ये अल्लाह ईश्वर, कोई ना कोई शक्ति ऐसी है जो हमें प्रेरणा देती है और आप लोग हमारा साथ देते हो। बहुत बड़ी ताकत हो आप लोग हमारी। हम लोगों को किसी पार्टी में या कहीं पे भी पार्टी का होकर नहीं रहना है। आप तो एक बात दिमाग में बैठा लो कि ना सापा ना बासापा ना भाजपा ना कांग्रेस, जो हमारे संग में दुख में खड़ा वो सबसे बड़ा। जिस दिन ये सोच लोगे आप, हम वचन देते हैं आपको, हम वो कर सकते हैं जो आपने कल्पना नहीं की होगी। एक बात सोचिए आप, छोटी सी बात, कि हमने 101 महीनों को जब 5 लाख का पर बहन के हिसाब से 5 करोड़ 5 लाख का इंश्योरेंस दिया, तो उस समय कुछ अलग से बहनें आके भी रोने लगी कि भैया हमसे राखी बंधवा लो, मैं इंश्योरेंस नहीं दूं, हम इसमें थे नहीं।
22 शायद मोमनस लड़कियां थी वहां पे, एससी सरोकार से एरवार थे, बाल्मीक थे, बनिया थे, ब्राह्मण थे। उस दिन पहली बार हमें ऐसा लगा कि हम स्वर्ग में बैठे हैं। उसी दिन वादा किए थे हम उन्हीं बहनों से, और वो वादा अभी कुछ दिन में निभा रहे हैं।